नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मनमोहन इलेक्ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक पुराना खराब LED बल्ब से हम RGB कलर का LED बल्ब बनाए हुए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप पुराने खराब LED बल्ब ले लीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहले इसको खोलना है। खोलने के लिए यहाँ डिफ्यूजर को आप इसको जब यहाँ से खोलिएगा ना, तो बहुत आसानी से खुल जाती है। अगर ना खुल रहा है तो इसको हल्का हल्का सा इस तरह चोट दीजिएगा ना, तो इसमें का आरी का इंसुलेशन लगा हुआ रहता है कोर पर का, ये जब इंसुलेशन छोड़ देगा तो खुल जाएगा। उसके बाद में MCPCB है, ये MCPCB को खोलकर निकाल देना है। उसके बाद ये हीट सिंक है, हीट सिंक को निकालना है। इसके अंदर जो PCB लगा हुआ है PCB को भी निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इसमें का हम MCPCB निकाल दिए और MCPCB इसको निकाल दिए। इस दोनों पार्ट को अब हमको कोई काम नहीं है, इसको अब साइड में रखते हैं। इसमें का बॉडी का काम है, इस हीट सिंक का काम है और डिफ्यूजर का काम है। उसके बाद इसमें से दो तार निकालना होगा जो डायरेक्ट यहाँ लाइन की सप्लाई इनपुट करती है। तो इसके लिए आप अलग से दो तार ले लीजिएगा। तो हमने दो तार ले लिया और यहाँ पे इस सोल्डिंग को हटाकर डायरेक्ट इसमें से तार जोड़कर अंदर की तरफ निकालना है। तो चलिए इसमें दो तार हम अंदर की तरफ जोड़ लेते हैं। तो इस होल्डर के अंदर से हम दो तार यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद ये हीट सिंक को यहाँ पे लगा देना है, इस तरह इस होल में लगाकर इसके अंदर से इस दोनों तार को निकालकर इसको बैठा देना। इसके अंदर आपको कोई भी सर्किट नहीं लगाना है। उसके बाद में इस तरह का RGB कलर का आप DOB प्लेट ले लीजिएगा, मार्केट में अवेलेबल है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी मात्र 10 रुपया में। अब आपको क्या करना है, हीट सिंक कंपाउंड लीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा ताकि ये चिपक भी जाए और ये ज्यादा हीट नहीं होगा तो जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो यहाँ हीट सिंक कंपाउंड हम ले लिए और इसके जगह पर जहाँ पे ये DOB प्लेट को हम चिपकाएंगे उस जगह पर इसको लगा दीजिएगा, तो ये बढ़िया से चिपक भी जाएगा और ये ज़्यादा हीट भी नहीं होगा प्लेट, जिससे ये DOB प्लेट जल्दी खराब भी नहीं होगा। जब इस तरह लगा दीजिएगा तो इस दोनों तार को यहाँ RGB प्लेट में देखिएगा, आपको एक होल दिखाई देगा, होल की रास्ते से इसको अंदर इस तरह लगा देना है। इस तरह जब लगा दीजिएगा उसके बाद ये हीट सिंक कंपाउंड को हम हटा देते हैं, इसका काम मात्र इतना ही है। उसके बाद में ये RGB DOB प्लेट पे यहाँ पे देखिएगा, आपको दो पॉइंट देखने को मिल जाएगी, एक L की पॉइंट और एक N की पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जहाँ से 220 वोल्ट का करंट हम इनपुट देंगे। ये दोनों तार को एक एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा, दोनों तार को हम सोल्डिंग कर दिए। अब ये RGB कलर का LED लाइट बनकर तैयार हो गया। ये 7 कलर में अब LED लाइट ये जलेगा। चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैम 220 वोल्ट का एक बोर्ड ले लिए, बोर्ड में इस होल्डर को लगा दे रहे हैं। होल्डर में लगाकर इसको डायरेक्ट हम इसमें लगा देंगे। तो देखिएगा अभी ये एक ही बराबर ये जरेगा, ब्लिंकिंग नहीं करेगा। चलिए थोड़ा हम लाइट को डिम करते हैं। तो अभी कुछ लाइट को यहाँ पे डिम कर दिए। अब इसमें कलर बदलने के लिए यहाँ पे देखिएगा, इसको ऑन ऑफ करके हम चालू कर देंगे। देखिएगा जैसे इसको बंद करके चालू कर दिए, ऑटोमेटिक यहाँ से लाइट अब ये ब्लिंकिंग कर रहा है, देख सकते हो कितना बेहतरीन। अब इसमें का डिफ्यूजर हम लगा देंगे, ये देखने में और ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे लगने लगेगी, देख सकते हो कितना बेहतरीन ये लगने लगी। फिर इसको हम बंद करके जैसे चालू करेंगे यहाँ पे देखिएगा, एक कलर का जलेगा, फिर बंद करके हम चालू करेंगे दूसरे कलर में जलेगा, फिर बंद करके चालू करेंगे तीसरे कलर में जलेगा। इसी तरह हम बंद करके चालू करेंगे ना, ये अलग अलग कलर में जलने लगेगा, देख सकते हो कितना बेहतरीन इसका प्रकाश भी है और कितना बेहतरीन ये जल रहा है, देख सकते हो। और इसको बंद करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये कलर यहाँ से चेंज होते रहेगा। अगर पूरा लाइट को यहाँ से हम बंद करके दिखाए तो देख सकते हो अब ये कितना बेहतरीन ये जल रही है। दोस्तों, इस प्रकार आप पुराने खराब LED बल्ब से 7-in-1 कलर का LED लाइट आप बना सकते हो, जो देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।